तो हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन मथुरा कृष्ण जी का जन्म स्थल। यहाँ आना दोस्तों मम्मी पापा का एक सपना था। ये देखिए दोस्तों अनिरुद्ध आचार्य जी यही है। हम लोग रूम पहुंच गए हैं दोस्तों। ये देखिए यही पर है, ऐसा रूम मिला है, इसी पर रहना है। पूरा हॉल है ये। नीचे तो उठे ना दोस्तों तो ऐसा लगा कि बाप कितना एकदम फर्स्ट क्लास रूम होगा, लेकिन यहाँ आके देखिए तो ये देखिए दोस्तों हम लोग का खाना मिल गया है। चावल है, दाल है, रोटी है और ये सब्जी है। ये देखिए दोस्तों मम्मी पापा का लुक। हम लोग का सपना पूरा हुआ है आप लोग के सपोर्ट और आशीर्वाद से। तो ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट और आशीर्वाद देते रहिएगा। हम लोग और भी एकदम हर जगह घुमाएंगे मम्मी पापा को। और यहाँ आना एकदम पूरा सपना जैसा लग रहा है। अभी वृंदावन में हम लोग हैं, ऐसा एकदम सपना लग रहा है। ये देखिए दोस्तों हम लोग मेडिकल स्टोर आ गए हैं। यहाँ का एकदम क्या बोलते हैं, दुकान सब में भी भगवान का नाम जुड़ा हुआ है। कान्हा मेडिकल स्टोर है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको तो हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल सनम प्रिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचने के वाले हैं, थोड़ा देर में हम लोग उतर जाएंगे। देखिए अभी ट्रेन उतरेंगे, पता नहीं रात जगने के कारण कि क्या हुआ, हाई फ्लू हो गया मेरा। आँख देख के पता चल रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा एकदम प्रसाद हो गया है, छूट भी गया है। अब बाहर जाएंगे, अब दवा ले लेंगे, थोड़ा देर में ट्रेन रुक जाएगा तो हम लोग उतरेंगे। सब लोग रेडी हो गए हैं उतरने के लिए। देखिए तो हम लोग अभी उतर रहे हैं दोस्तों, हम लोग अभी उतर गए हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूप है दोस्तों, तभी हम लोग चार मिनट थोड़ा छांव तरफ बैठेंगे। हम लोग कहाँ पहुँचे हैं दोस्तों आप सबको बताएंगे अभी थोड़ा देर में। पूरा एकदम बैठे बैठे एकदम हालत ख़राब हो गया दोस्तों, दो दिन से बैठ बैठ के थोड़ा, दो दिन लग गया आने में। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा स्टेशन है। तो सभी लोग जा रहे हैं वहाँ से, हम लोग जो ये ट्रेन है ना, ट्रेन का पटरी वहाँ पार होना है, इधर से चढ़ के फिर वहाँ उठना है हम लोग को। चढ़ रहे हैं दोस्तों, एकदम पूरा अजीब लग रहा है ट्रेन पे इतना देर के बाद। हम लोग सब बहुत सारे लोग जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ये सब जाएंगे वहीं पर जहाँ हम लोग जाएंगे, थोड़ा देर में हम लोग रोड पहुँच जाएंगे। कितना सारा गाड़ी है, बाप रे बाप, जितना आदमी है उतना लगता है एक एक तो गाड़ी रखा है। हम लोग रोड आ गए दोस्तों, हम गाड़ी बैठेंगे। लोग बैठ गए हैं देखिए, तो हम लोग अभी ऑटो से उतर गए हैं दोस्तों और अभी चल रहे हैं रास्ता में। सामने ही है हम लोग जहाँ जाने वाले हैं वाला जगह, सामने ही है, आप लोग को दिखाते हैं। चलिए देखिए इधर आगे आगे जा रहे हैं पापा आंटी सब भी, सब आगे आगे हैं। पोस्टर देख के आप लोग को पता लग रहा होगा हम लोग कहाँ पे हैं अभी। ये देखिए गौरी गोपाल आश्रम। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं वृंदावन मथुरा कृष्ण जी का जन्म स्थल। यहाँ आना दोस्तों मम्मी पापा का एकदम सपना था। यहाँ जो एकदम गुरु जी है ना, अनिरुद्ध आचार्य जी, उनका भजन एकदम दिन रात सुनते थे, एकदम सोचते थे, हमेशा से सोचते थे कि यहाँ पर आएंगे आएंगे। तो आज इनका सपना पूरा हुआ है, एकदम पूरा खुश हो गए हैं। जय राधे। पूरा ये लोग दोस्तों जो ढोलक लिए थे ना, इन्हीं को देख के लिए थे घर में बजाने की। हम लोग नहीं जाने सकेंगे तो घर में बजा के आनंद लेंगे, लेकिन आज इनका सपना पूरा हो गया है दोस्तों। और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम के पास। और ये दोस्तों एकदम बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, यहाँ हर कोई आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं। एकदम पूरा देख के आनंद आ गया एकदम यहाँ आके, मतलब जितना भी एकदम गाड़ी में बैठ बैठ के एकदम सर दर्द दे रहा था ना, यहाँ आके एकदम सब ठीक हो गया दोस्तों। और एकदम अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पर, बहुत सारे श्रद्धालु लोग हैं। तो हम लोग अभी दवाई लेने जा रहे हैं दोस्तों, मेरा आँख का जो हुआ है ना, आई फ्लू का दवाई लेने जा रहे हैं। हम और पापा जाएंगे लेके आते हैं जल्दी। ये देखिए दोस्तों हम लोग मेडिकल स्टोर आ गए हैं। यहाँ का एकदम क्या बोलते हैं, दुकान सब में भी भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, कान्हा मेडिकल स्टोर है। अभी हम लोग चल रहे हैं। हाँ दवा दीजिएगा, आँख का दवा दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों हम लोग आई ड्रॉप ले लिए हैं,
कान्हा जी का एकदम पूरा एकदम मूर्ति सब बिक रहा है। यहाँ भगवान से जुड़ा हर चीज बिकता है दोस्तों। तो बहुत सारे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। यहाँ हमेशा आते रहते हैं आदमी और हमेशा जाते रहते हैं। और अभी दोस्तों हम लोग यहाँ तो नहीं रहेंगे, अभी हम लोग अंदर नहीं घुसेंगे, पहले रूम जाएंगे, रूम खोजेंगे, उसके बाद रूम खोजेंगे। अच्छा, रूम खोजेंगे हम लोग। अभी रूम जाएंगे दोस्तों और फ्रेश हो के नहा धोवा के फिर से यहाँ आएंगे देखने के लिए, तभी हम लोग चलते हैं रूम। चलिए तो हम लोग अभी जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग रूम पहुँच गए हैं दोस्तों, ये देखिए यहीं पर है, पहुँच गए हैं। किधर जा रहे हैं? अच्छा, देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना होगा, वहाँ भी सीढ़ी था यहाँ भी सीढ़ी है। ये जल्दी जल्दी पूरा एकदम थक गए हैं, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग कथा सुनने के लिए। हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों, ये देखिए ऐसा रूम मिला है, इसी पर रहना है, पूरा हॉल है ये। आज के दिन के लिए यहीं पर रहेंगे दोस्तों, क्योंकि रूम ना जल्दी मिलता नहीं है, तो कल हम लोग आराम से खोजेंगे, आज भर यहीं पर रहेंगे। ठीक है, पूरा एकदम हॉल जैसा है, सभी को एकदम अचानक रूम ना नहीं ना मिलता है, तो आज भर यहीं पर रहेंगे हम लोग, उसके बाद कल फिर हम लोग दूसरा रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, इसी तरह आज यहीं पर रहेंगे। नीचे तो उठे ना दोस्तों तो ऐसा लगा कि एकदम बाप इतना एकदम फर्स्ट क्लास रूम होगा, लेकिन यहाँ आके देखे तो कैसे बड़ा रूम है, बड़ा एकदम हॉल है, वो भी क्रिकेट का है। तो आज भर किसी तरह रह लेते हैं, के बाद फिर कल सोचेंगे। ऊपर छत है तो क्रिकेट है ना? हाँ हाँ, क्रिकेट है, छत के ऊपर हम लोग रह रहे हैं। किसी तरह आज भर बिताना है रात, उसके बाद कल चल जाएंगे हम लोग अपना रूम में शिफ्ट होंगे, कल पापा खोजेंगे सुबह ही उठ के। ठीक है पापा, तो नहाइए धोइए तब हम लोग भी चलते हैं दोस्तों, नहाते धोते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, एकदम पूरा एकदम गाड़ी में बैठ बैठ के एकदम दिमाग दूसरे लग रहा है, तब हम लोग पूरा फ्रेश होते हैं और चलेंगे उधर घूमने के लिए। तो हम लोग सब नहा धोवा के रेडी हो गए दोस्तों, अब चलते हैं बाबा जी का कथा सुनने के लिए, पूरा शाम शाम का वक्त हो रहा है अभी। हाँ हाँ, चलिए थोड़ा घूम फिर के आते हैं। ये देखिए दोस्तों मम्मी पापा का लुक कैसा लग रहे हैं, पापा एकदम धोती कुर्ता लगा लिए हैं और मम्मी एकदम साड़ी, एकदम पूरा मस्त लग रही है, दोनों जन एकदम मस्त लग रहे हैं। चलिए ये देखिए दोस्तों बाबा का आश्रम, अभी सभी कोई घुस रहे हैं, हम लोग भी इसी में घुसेंगे, अभी चलते हैं हम लोग अंदर। हम लोग अंदर घुस गए हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों अनिरुद्ध आचार्य जी यही हैं। राधे और कृष्ण क्या है, एकदम मस्त लग रहा है, जन्नत जैसा लग रहा है एकदम देखने में, एकदम वाह क्या ही मस्त लग रहा है दोस्तों। ये देखिए अभी जा रहे हैं, एकदम पूरा दर्शन करने में मजा आ गया दोस्तों, एकदम पूरा एकदम सफल हो गया। ये देखिए दोस्तों कितना लोग आए हैं देखने के लिए, हम लोग पूरा अच्छा से दर्शन कर लिए दोस्तों, एकदम पूरा अच्छा लगा एकदम यहाँ आके, देखे ना तो और भी अच्छा लगा एकदम। हम लोग तो दर्शन कर लिए, अब चलते हैं, भोजन सब कहाँ मिलता है वहाँ देखते हैं। चलिए हम लोग अब अच्छा से दर्शन कर लिए दोस्तों, अब चलते हैं उधर खाना खाने के लिए। देखिए दोस्तों खाने के लिए लोग लाइन लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए, पूरा बहुत लंबा लाइन है। ये देखिए दोस्तों हम लोग का खाना मिल गया है, चावल है, दाल है, रोटी है और ये सब्जी है, क्या ही मस्त मस्त मिला है दोस्तों। ये देखिए एकदम पूरा मजा आ गया, चावल देखिए कितना फ्रेश है, तो हम लोग खाते हैं फटाफट। तो हम लोग सब खाना खा लिए दोस्तों, एकदम पूरा मस्त खाना मिला, एकदम प्रसाद एकदम पेट भर गया, थोड़ा ही सामने एकदम जैसा सुने थे ना दोस्तों एकदम वैसा ही खाना मिला, एकदम कुछ चीज का कमी नहीं था, एकदम भरपूर खाना मिला, एकदम पर्सन ले सकते हैं तो पर्सन भी दिया, एकदम पूरा खा के एकदम पूरा पेट भर गया। तो हम लोग रूम पहुंच गए दोस्तों, पहुंचने वाले हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं अभी।
हम लोग आ गए दोस्तों, जहाँ सोएंगे वहाँ पर आ गए हैं। अब आराम से थोड़ा सा आराम करेंगे, पूरा खाना पीना तो खा लेंगे, दवा भी लगा लेंगे। आँख लगा के नहीं गए थे, जल्दी जल्दी गए थे नहा के, तब लगा लेंगे दवा और सो जाएंगे। दर्शन करके मज़ा आ गया दोस्तों, तो पूरा अच्छा लगा। अच्छा लगा ना पापा? अच्छा लगा ना माँ? खाने में बहुत स्वाद लगता है, भगवान के प्रसाद ही, कृष्ण भगवान राधा कृष्ण प्रसाद इतना मस्त लगता है ना खाने में। और दर्शन करके कैसा लगा? दर्शन में बहुत खुश लगा। तब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा देर आराम करते हैं अब, क्योंकि रात हो चुका है। तो हम लोग सब खाना पीना खा लिए दोस्तों, और यहाँ आना एकदम पूरा सपना जैसा लग रहा है। अभी वृंदावन में हम लोग हैं, ऐसा एकदम सपना लग रहा है। हम लोग पहले मोबाइल में देखते थे महाराज जी को, आज एकदम पूरा साक्षात देखे ना, तो एकदम पूरा मज़ा आ गया, एकदम पूरा देख के आनंद आ गया ना। और मम्मी पापा का दोस्तों यहाँ आना पूरा एकदम सपना था, एकदम कब से सपना देख रहे थे कि हम लोग वहाँ जाएंगे जाएंगे। दिन रात भजन सुनते थे, कीर्तन करते थे, तो आज एकदम पूरा यहाँ पर हैं, तो एकदम पूरा बहुत ज़्यादा खुश हैं दोस्तों। बताइए आप। हाँ, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, प्रसाद भी खाइए। हाँ, और हम लोग दोस्तों जैसा फ़ोन में देखते थे ना वीडियो में, एकदम हाँ उससे कहीं ज़्यादा एकदम अच्छा खाना मिला, एकदम पूरा मज़ा आ गया खा के। प्रसाद यहाँ का पूरा पेट भर खाना मिला, एकदम बर्तन वर्तन सब मिला, बर्तन भी ले सकते थे जैसा, एकदम पूरा एकदम मन भर गया यहाँ देख के बर्तन। हाँ दोस्तों, देखेंगे आप लोग को पूरा एकदम अच्छा से मिलवाएंगे अनिरुद्ध आचार्य जी से। अभी तो हम लोग अच्छा से नहीं मिल पाए, कल हम लोग भोरे भोरे जाएंगे आरती में, देखते हैं आरती में पहुंच पाएंगे तो वहां पर जाएंगे और आप लोग को अच्छा से पूरा मिलाएंगे। क्या पापा? एकदम पूरा एकदम यहाँ के आनंद आ गया दोस्तों। और ये सब दोस्तों हम लोग का सपना पूरा हुआ है आप लोग के सपोर्ट और आशीर्वाद से। तो ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट और आशीर्वाद देते रहिएगा, हम लोग और भी एकदम हर जगह घुमाएंगे मम्मी पापा को। हाँ, सपना पूरा हो जाएगा तुम्हें तो हर जगह राधा कृष्ण भगवान के हरि कीर्तन बार बार चले, एकदम पूरा मजा आया दोस्तों यहाँ आना, एकदम एकदम सफल हो गया। हाँ, एकदम हम लोग का यात्रा भी शुभ रहा, एकदम पूरा एकदम मजा आ गया। खाली सिर्फ मेरा आँख में दोस्तों ये हो गया आई फ्लू, ये कोई बात नहीं, दवा ले लिए हैं, ठीक हो जाएगा कल तक में, दवा लगाते रहेंगे। तो पान खाना के जो हाँ हो सकता है नींद पूरा नहीं हुआ ना, इसीलिए शायद ऐसा हुआ होगा, नहीं तो पता नहीं, या फिर किसी को देख लिए होंगे जिसका हुआ होगा उसको, इससे भी होता है एकदम, देखने से भी हो जाता है। तभी हम सब किसी को देखते नहीं हैं, हम नज़र झुका के चलते हैं, बस ब्लॉग बनाते हैं ऐसे करके, नहीं तो नज़र झुका के चलते हैं। तभी हम लोग जल्दी से आराम करते हैं दोस्तों, क्योंकि एकदम ज़्यादा रात हो गया है और एकदम थक भी गए हैं, तो आज थोड़ा सा आराम करते हैं अच्छा से। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बाय।